हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं अपने उन फ्रेंड्स के लिए बना रहा हूँ जो राजस्थान या स्टेट लेवल पर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और उस एग्ज़ाम में राजस्थान जीके के रूप में राजस्थान की हिस्ट्री आती हो, जैसे पटवार हो गया और अधीनस्थ बोर्ड का कोई और एग्ज़ाम हो गया, आरपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो गया और उस एग्ज़ाम में राजस्थान की हिस्ट्री आती हो, तो उन फ्रेंड्स के लिए मैं राजस्थान की हिस्ट्री के टॉपिक लेकर आया हूँ। और राजस्थान की हिस्ट्री के टॉपिक में जो सबसे पहला जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है सबसे इजी टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम आता है राजस्थान का एकीकरण। पूरी हिस्ट्री के टॉपिक में ये सबसे सिंपल टॉपिक है एकीकरण। तो पहले बात करें एकीकरण क्या होता है, कि राजस्थान के अंदर अलग अलग रियासतें थी, उन रियासतों को एक करके एक राजस्थान का निर्माण करना ही क्या कहलाता है एकीकरण। तो अपने शुरुआत करते हैं, अपने बात करते हैं 1945 से। 1945 में जब इंग्लैंड के अंदर चुनाव हुए थे, इंग्लैंड या फिर इसको बोलते हैं अपने ब्रिटेन, जब इंग्लैंड के अंदर चुनाव हुए थे तो उन चुनावों में सरकार जो बनी थी वो सरकार बनी थी लेबर पार्टी की। 1945 में जब इंग्लैंड के अंदर चुनाव हुए थे तो उन चुनावों के अंदर सरकार बनी थी लेबर पार्टी की, और लेबर पार्टी के एक व्यक्ति का नाम आता है क्लेमेंट एटली। इस एटली को उस समय ब्रिटेन का पीएम बनाया गया था, यानी कि एकीकरण के समय इंग्लैंड या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्लेमेंट एटली। इस एटली के द्वारा अपना वायसराय या इसको बोलते हैं गवर्नर जनरल ये बनाया गया था लॉर्ड माउंट बेटन को। एकीकरण के समय गवर्नर जनरल इंग्लैंड का कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन। यानी कि चुनाव होते हैं 1945 में, इंग्लैंड के अंदर सरकार बनती है लेबर पार्टी की, और लेबर पार्टी के व्यक्ति का नाम आता है क्लेमेंट एटली। इस एटली को ब्रिटेन का पीएम बनाया गया था, और इसके द्वारा अपना वायसराय या फिर गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वो बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। इस लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक घोषणा की गई थी, और वो घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को। इसे बोलते हैं 3 जून की घोषणा या माउंटबेटन की घोषणा। इस घोषणा के अंदर ये कहा गया था कि 16 जुलाई 1947 को एक अधिनियम पारित किया जाएगा, और इस अधिनियम का नाम होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषणा की गई थी, ये घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को, और इस घोषणा में क्या कहा गया था कि 16 जुलाई 1947 को एक अधिनियम पारित किया जाएगा, और इस अधिनियम का नाम होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाएगा, आज़ाद। क्वेश्चन आता है कि भारत को आज़ादी किस अधिनियम के द्वारा मिली थी, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा मिली थी, जो कब पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। इसकी घोषणा कब होती है, 3 जून 1947 को, किसने की थी, माउंटबेटन ने, और माउंटबेटन क्या थे उस समय, वायसराय या फिर गवर्नर जनरल। इस अधिनियम के अंदर एक धारा आती है, और उस धारा कौन सी होती है, वो धारा 8। इस धारा के अंदर ये कहा गया था कि वर्तमान में जितनी भी भारतीय देसी रियासतें हैं, इन रियासतों पर वर्तमान में जो अधिकार है वो किसका है, ब्रिटिश सरकार का। इस अधिनियम में एक धारा आती है
उस धारा कौन सी है, धारा 8। इस धारा में ये कहा गया कि वर्तमान में भारतीय देशी रियासतों पर अधिकार किसका है, ब्रिटिश सरकार का, तो ये अधिकार यहाँ इस ब्रिटिश सरकार से हटाकर खुद किसको दे दिया जाएगा, देशी रियासतों को, कि ये देशी रियासतें या तो क्या रह सकती है, स्वतंत्र, या किस में शामिल हो सकती है, भारत में, या किस में शामिल हो सकती है, पाकिस्तान में, ये डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा खुद भारतीय देशी रियासतों पर। क्वेश्चन क्या आता है, भारतीय देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के द्वारा। अब जब सभी देशी रियासतों को ये कहा गया कि या तो वे चाहे तो स्वतंत्र रहे, या किस में शामिल हो, भारत में, या किस में शामिल हो, पाकिस्तान में, तो सभी रियासतों के द्वारा ये कहा गया कि हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र। अगर सभी भारतीय देशी रियासतें स्वतंत्र रहती तो उनका एकीकरण होता क्या, नहीं होता। अगर सभी भारतीय देशी रियासतें स्वतंत्र रहती तो एकीकरण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस धारा 8 से एक संकट उत्पन्न होता है और इस संकट के समाधान के लिए 5 जुलाई 1947 को दिल्ली के अंदर एक विभाग का गठन किया गया था और उस विभाग का नाम आता है रियासती विभाग। भारतीय देशी रियासतें, जब इन रियासतों ने ये बात कही कि जब हमें धारा 8 का उपयोग मिला है कि हमें इस धारा के द्वारा स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया है, तो हम सभी रियासतें ना तो भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में, हम रहेंगे स्वतंत्र। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए 5 जुलाई 1947 को दिल्ली के अंदर एक विभाग बनाया गया था, उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। एक बार इतना, 1945 में चुनाव होते हैं इंग्लैंड के अंदर या फिर ब्रिटेन के अंदर, इन चुनावों में जो सरकार बनती है वो बनती है लेबर पार्टी की। इस लेबर पार्टी के एक व्यक्ति का नाम आता है क्लीमेंट एटली। इस एटली को एकीकरण के समय ब्रिटेन का पीएम बनाया गया था और इस एटली के द्वारा अपना वायसराय या फिर गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। यानी कि एकीकरण के समय वायसराय या फिर गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। इस बेटन के द्वारा घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को। इस घोषणा में ये कहा गया था कि 16 जुलाई 1947 को एक अधिनियम बनाया जाएगा, पारित किया जाएगा, उस अधिनियम का नाम होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाएगी। इस अधिनियम में धारा आती है धारा 8। इस धारा 8 में ये कहा गया कि वर्तमान में जितने भी भारतीय देशी रियासतें हैं इन पर वर्तमान में अधिकार ब्रिटिश सरकार का है, ये अधिकार यहाँ से ख़त्म करके खुद भारतीय देशी रियासतों को दे दिया जाएगा। यानी कि धारा 8 के द्वारा भारतीय देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। अब जब ये स्वतंत्र रहती तो एकीकरण नहीं हो पाता। इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली के अंदर 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया था। अपने बात कर रहे थे रियासती विभाग की, रियासती विभाग के, इस रियासती विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर बनाया गया था। इसको कब बनाया गया था, 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को इसका अध्यक्ष या मुखिया बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री के पद पर थे। रियासती विभाग की स्थापना होती है 5 जुलाई 1947 को। इसका मुख्यालय बनाया गया था दिल्ली के अंदर। इसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो उस समय गृह मंत्री के पद पर थे। इसका सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। क्वेश्चन आता है, रियासती विभाग का गठन कब किया गया था, 5 जुलाई 1947 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष सरदार
पटेल सचिव बनाए गए थे एबीपी मेनन को। तो इस विभाग के द्वारा रियासतों की स्वतंत्रता को लेकर एक शर्त रखी गई थी कि अगर किसी रियासत की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या अगर 10 लाख या उससे अधिक है और उस रियासत की जो वार्षिक आय है वो 1 करोड़ से अधिक है तो वो रियासत क्या रहेगी, स्वतंत्र रह सकती है। रियासती विभाग के द्वारा रियासतों की स्वतंत्रता को लेकर सबसे पहले शर्त रखी गई थी कि अगर किसी रियासत की जनसंख्या कितनी है 10 लाख से अधिक और वार्षिक आय कितनी है 1 करोड़ से अधिक, अगर कोई भी रियासत इन दो शर्तों को पूरा करती है वो रियासत क्या रहेगी, स्वतंत्र रहेगी। और इस शर्त को पूरा करने वाली जो रियासत थी वो 4 रियासत नाम आते हैं, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। राजस्थान के अंदर केवल 4 रियासतें ऐसी थी, कौन कौन सी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, जिनके द्वारा रियासती विभाग की शर्त को पूरा किया गया था। यानी कि इन 4 रियासतों बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, केवल ये 4 रियासतें राजस्थान में ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी। एक बात आती है कि राजस्थान के अंदर उदयपुर के शासक का नाम आता है महाराणा भोपाल सिंह। उदयपुर के शासक का नाम आता है महाराणा भोपाल सिंह। इस महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा 25 या 26 जून 1946 को राजस्थान में सबसे पहले संघ निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया गया था और जो संघ निर्माण था उसका नाम रखा था राजपुताना यूनियन। यानी कि क्वेश्चन आता है राजस्थान में सबसे पहले संघ निर्माण की प्रक्रिया को किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था, महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा। किस रियासत के द्वारा शुरू किया गया था, उदयपुर रियासत के द्वारा। कब किया गया था, 25 या 26 जून 1946 को। अगर एग्ज़ाम में दोनों ही डेट हो, 25 जून भी हो 26 जून भी हो, तो ऑथेंटिकेट जो मानी जाती है वो मानी जाती है 25 जून 1946। सबसे पहली बात, रियासती विभाग का गठन क्यों किया गया था, देसी रियासतों की स्वतंत्रता जब होने लगी थी धारा 8 के द्वारा उनको अधिकार दिया गया था, तो उन समस्या से निपटने के लिए दिल्ली के अंदर 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन किया गया था, जिसका सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। इसने सबसे पहली शर्त क्या रखी थी, अगर किसी रियासत की जनसंख्या 10 लाख प्लस हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से प्लस हो वो रियासतें क्या रहेगी, स्वतंत्र। और राजस्थान में केवल 4 रियासतें बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये 4 रियासतें ऐसी थी जो रियासती विभाग की इन शर्तों को पूरा करती थी। इसके बाद अपने बात की कि राजस्थान में सबसे पहले संघ निर्माण की प्रक्रिया को उदयपुर के शासक मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा शुरू की गई थी 25 या 26 जून 1946 को, और इनके द्वारा जो संघ बनाया गया था उस संघ का नाम था राजपुताना यूनियन। ये राजपुताना यूनियन जो बनाया गया था, ये बनाया गया था मेवाड़, मालवा और गुजरात, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया था। हालांकि इनकी ये कोशिश जो थी वो क्या थी, असफल। यानी कि राजस्थान में संघ निर्माण की प्रक्रिया को असफल कर दिया गया था, किसी भी प्रकार का संघ का निर्माण होने नहीं दिया था। इससे आगे बात करते हैं अपने रियासतों की। तो भारत में
भारत में रियासतें एकीकरण के समय भारत में रियासतें दो कंसेप्ट आते हैं, 565 और 562। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, एकीकरण के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी, तो वहाँ पर ऑप्शन मिलता है 565 और 562, दोनों ऑप्शन मिलते हैं। बात करें एकीकरण के समय भारत में जो कुल रियासतें थी वो थी 565, जबकि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो रियासतें थी वो थी 562। एकीकरण के समय भारत में कुल रियासतें 565, इन 565 में से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें कौन कितनी थी, 562। इन 562 के अलावा जो तीन रियासत बचती है, एक तो कश्मीर, दूसरी हैदराबाद और तीसरी जूनागढ़, जो गुजरात में है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। ये तीन रियासतें ऐसी थी जिनके द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, इन तीन रियासतों के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। तो 562 और 3 ये मिला लो, टोटल रियासतें 565। एकीकरण के समय भारत में कुल रियासतें 565, जबकि विलय पत्र पर साइन करने वाली 562 और साइन न करने वाली एक कश्मीर, दूसरी हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश में आती है, तीसरी जूनागढ़ जो गुजरात के अंदर आती है। इन 565 रियासतों में से अगर अपने बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर बात करें अपने, राजस्थान में रियासतें तो आती है 19, ठिकाने आते हैं 3 और केंद्र शासित प्रदेश आता है 1। अगर इन 565 में से अपने राजस्थान के लेवल की बात करें, तो राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितनी प्रशासनिक इकाइयां कार्य कर रही थी, तो टोटल कितनी कर रही थी, 23। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 19 और 3 22, 22 और 1 23। दो कंसेप्ट हैं, एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतें 19 और एकीकरण के समय राजस्थान में कार्य करने वाली कुल प्रशासनिक इकाइयां 23। अब इन 23 की बात करें अपने, एक कंसेप्ट और बताता हूं आपको, एकीकरण से पहले की बात करें, एकीकरण से पहले की बात करें तो राजस्थान में रियासतें थी टोटल 23। इन 23 में से पालनपुर, दांता, एडर और जूनागढ़, इन चार रियासतों का विलय गुजरात में होने से राजस्थान में कितनी रियासतें बची थी, इसे माइनस 4 कर दो, 19। एकीकरण से पहले राजस्थान में 23 रियासतें थी, इन 23 में से पालनपुर, दांता, ईडर और जूनागढ़, इन चार रियासतों का विलय गुजरात में किया गया था, तो इन 23 में से 4 निकाल दो, राजस्थान रियासतें कितनी बची, 19, और इन्हीं 19 रियासतों का अपने को एकीकरण करना है। अब रियासतें तो कौन कितनी थी, 19, ठिकाने 3, 3 ठिकानों में से पहला कौन सा है, नीमराणा, जो किस रियासत का भाग था, अलवर, दूसरा ठिकाना कुशलगढ़, रियासत का नाम बांसवाड़ा, तीसरा लावा, रियासत का नाम टोंक। 3 ठिकाने हैं, नीमराणा, अलवर का भाग, कुशलगढ़, बांसवाड़ा का भाग, लावा, टोंक का भाग। ये ठिकाना सबसे बड़ा था, जबकि ये ठिकाना सबसे छोटा था। अब अगर इन ठिकानों के ठिकानेदार की बात करें,
तो नीम राणा के ठिकानेदार का नाम था राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ के ठिकानेदार का नाम था हरेंद्र सिंह और लावा ठिकानेदार का नाम था प्रदीप सिंह। तीन ठिकाने नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नीमराणा अलवर का भाग, कुशलगढ़ बांसवाड़ा का भाग, लावा टोंक का भाग। ठिकानों में सबसे बड़ा कुशलगढ़, सबसे छोटा लावा। नीमराणा ठिकाने के ठिकानेदार राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह, लावा के प्रदीप सिंह। अगर अपने बात करें कि कर्क रेखा पर स्थित ठिकाने का नाम क्या है तो आंसर क्या है अपना, कुशलगढ़, क्योंकि कर्क रेखा कहाँ से होकर निकलती है, बांसवाड़ा से। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो एक ही है और वो कौन सा है, अजमेर मेरवाड़ा। इस अजमेर मेरवाड़ा की स्थापना होती है 1832 के अंदर और इस अजमेर मेरवाड़ा का संस्थापक कौन होता है, विलियम बेंटिक, अंग्रेज अधिकारी है विलियम बेंटिक। केंद्र शासित प्रदेश एक ही है, अजमेर मेरवाड़ा। इस अजमेर मेरवाड़ा की स्थापना हुई थी 1832 में, संस्थापक था विलियम बेंटिक। इसका जो प्रमुख या इसको बोलते हैं सीईओ, वो कहलाता है AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और प्रथम AGG कौन था, मिस्टर लोकेट। इस अजमेर मेरवाड़ा का प्रमुख क्या कहलाता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जबकि गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। और एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG कौन है, मिस्टर लोकेट। इसका जो ग्रीष्मकालीन केंद्र बनाया गया था वो बनाया गया था अपना माउंट आबू सिरोही के अंदर, और माउंट आबू के अंदर इसकी स्थापना की गई थी 1845 के अंदर। तो अपने भारत में टोटल रियासतें एकीकरण के समय 565, इन 565 में से सिग्नेचर करने वाली 562, ना करने वाली कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इन 565 में से राजस्थान की मैंने बात करें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 19 और 3 22, 22 और एक 23। एकीकरण के समय राजस्थान में काम करने वाली कुल प्रशासनिक इकाइयों की संख्या कितनी आती है, 23। 19 रियासतें, 3 ठिकाने। 3 ठिकानों में सबसे पहला नीमराणा अलवर का भाग, कुशलगढ़ बांसवाड़ा का भाग, लावा टोंक का भाग। सबसे बड़ा कुशलगढ़, जबकि सबसे छोटा लावा। नीमराणा के ठिकानेदार राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह, लावा के प्रदीप सिंह। अजमेर मेरवाड़ा की स्थापना 1832 के अंदर, संस्थापक यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी, विलियम बेंटिक ने। इसका प्रमुख क्या कहलाता है, AGG, प्रथम AGG किसको बनाया गया था, मिस्टर लोकेट को। इस अजमेर मेरवाड़ा का ग्रीष्मकालीन केंद्र बनाया गया था माउंट आबू, और माउंट आबू में इसकी स्थापना कब की गई थी, 1845 के अंदर। अब बात करते हैं अपने एकीकरण की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, 18 मार्च 1948। और इस एकीकरण का समापन कब होता है, 1 नवंबर 1956 को। समापन से, शुरुआत से लेकर समापन तक जो कुल समय लगा था वो लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, या फिर बात करें अपने लगभग 9 वर्ष। शुरुआत कब होती है, 18 मार्च 1948, समापन 1 नवंबर 1956 को। इन दोनों के बीच टाइम लगा था, यानी कि राजस्थान के एकीकरण में कुल समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, या लगभग 9 वर्ष, और कुल कितने चरणों में, 7 चरणों के अंदर राजस्थान का एकीकरण सफल हुआ था। अब मैं सिर्फ जो चरणों हैं, जो एकीकरण के समय जो 7 चरण थे, उनका नाम नाम लिख रहा हूँ। पहला जो संघ आता है उसका नाम है मत्स्य संघ, दूसरे का पूर्व राजस्थान, तीसरे का संयुक्त राजस्थान,
चौथे का बृहत राजस्थान, पांचवें का संयुक्त बृहत राजस्थान, छठे का राजस्थान संघ और अंतिम जो चरण था उसका नाम था राजस्थान। ये सात चरणों के नाम हैं। आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, अपने फिंगर्स पर रखना। पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा बृहत राजस्थान, पांचवा संयुक्त बृहत राजस्थान, छठा राजस्थान संघ और सातवां राजस्थान। अब इनकी तारीख याद करते हैं, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। आपको जैसे इनको फिंगर्स पे काउंट किया था वैसे ही कर रहे हैं, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। और ऐसे ही मंथ मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। और सन 3:48, 2:49, 1:50 और 1:56। ये एक टेबल है एकीकरण के सात चरण, और इन सातों चरणों का कब कब क्या नाम पड़ा था, किस किस डेट को क्या क्या नाम पड़ा था। तो पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा बृहत राजस्थान, पांचवा संयुक्त बृहत राजस्थान, छठा राजस्थान संघ और सातवां राजस्थान। फिर डेट 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। महीने मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। और 3:48, 2:49, 50, 56। चार पांच बार करोगे इस तरीके से तो आपका ये जो टेबल है आपके फिंगर्स पे आपके काउंट हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो ये था आज का मेरा बेसिक एकीकरण से जो पहले की जो योजना थी। कल से जो स्टार्ट करेंगे इन चरणों से स्टार्ट करेंगे, 21 चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतें, कौन कौन से ठिकाने, कौन कौन से ठिकानेदार, किन किन रियासतों के शासकों का क्या क्या योगदान रहा है। तो बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।